पिछले कई दिनों से घर जाने की बात जो रहे प्रवासी मजदूरों ने आज यहां जमकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। प्रवासी मजदूरों का कहना था कि घर जाने में देरी अब सब्र से बाहर हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, घर जाने का इंतजाम करवा दो। मजदूरों का कहना था कि वे पिछले एक सप्ताह से अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर होम भी बंद कर दिए गए हैं। भूखे प्यासे सैकड़ों मजदूर जैसे तैसे भोजन तो भिवानी महापंचायत द्वारा चलाई जा रही जनता रसोई में करते हैं, लेकिन रात बिताने के लिए उन्हें शमशान घाट में मजबूरन रहना पड़ता है। गौरतलब होगा कि कल बुधवार भी सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर शहर के किरोडीमल पार्क में एकत्रित हुए थे और वे पूर्णिया, मोतिहारी, गया, अररिया सहित बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाने की मांग कर रहे थे। कल भी पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा था और वे सभी विभिन्न गलियों से जान बचाने के लिए छिपकर भागे थे। आज सुबह एक बार फिर से मजदूर एकत्रित हुए, उनके पास गांव जाने के लिए रजिस्ट्रेशन तथा मेडिकल की पर्चियां भी थी। दीपक कुमार, श्याम किशोर, दया किशन व मुन्नालाल आदि ने कहा कि वे लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन हर हाल में घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें 5 दिन से लगातार कहा जा रहा है कि उनके मोबाइल पर संदेश आएगा और उन्हें भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एमपी सागर। यहाँ कैसे पहुँचे थे, यानी कि रामबाग में? कैसे आ गए यहाँ, कौन लेकर आया? हम लोग पैदल आए थे। कहाँ से चले गए? सेवानी से। सेवानी से कितने दिन में पहुँचे हैं? हम लोग 2 दिन में आ गए। 2 दिन में पैदल पैदल आ गए। हाँ। कितने लोग हो आप? हम लोग 23 जन हैं। 23 जन तो एमपी जाओगे? तो जो ये बाहर ट्रेनें जा रही हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, आप करवाने गए थे? गए थे। क्या बोले आपको? कल गए थे तो बोला 10 बजे आना। अच्छा, गए आप 10 बजे? अभी गए थे। सब सिवाई जाए, तीन रोटी मिलती थी, चावल थोड़े थोड़े, फिर बंद हो गया, एक दिन बंद हो गया। तो हम लोग ने उधर से, हमारे इधर से मुख्यमंत्री को फ़ोन लगाया, पालो साहब को, उनने चालू करवाया खाना। फिर बाकी फिर हम लोग उधर से उनसे बोला, कोर्ट में गए, उनने कही अभी कौन वो नहीं है आपके लिए, कुछ भी वो नहीं। आपको सरकार जो ये कहती है कि हमने सारे प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया है, जाने का इंतजाम किया है, क्या लगता है सरकार के दावे कितने सही हैं या गलत हैं? गलत हैं जी, गलत हैं सारे। कोई व्यवस्था को नहीं, पैदल भगा भी रहे तो पुलिस वाले मार रहे थी। पैदल लंके भी नहीं जान दे, पैदल लंके भी कौन जान दे। कहाँ से चल के आए हो? हम लोग सवानी से आए थे। सवानी से आज कितने दिन हो गए आपको चले? हम लोग कल नोट तक लंके गए थे, हम लोग रात भर नहीं, कल परसों रात में यहीं दिन। हाँ, यहाँ कल 12 बजे दिन को आए। खाना वगैरह मिला आपको? खाना वगैरह मिला। सवानी से पैदल चल के आए? हाँ, पैदल चल गए। तो पुलिस वालों ने रास्ते में डंडा मारा है? डंडा नहीं, घूसा मारा, घूसा मार के भगाया, नू नू करके जी। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? डंडे डंडे पड़ेंगे, या पैदल ले जाओ। फिर हम लोग वहाँ, हम लोग कहीं पानी भी, तो यहाँ कैसे आए तुम? कलानोर में पैदल, फिर आए थाने में, गए थे थाने, थाने में। हम लोग थाने में गए, फिर यहाँ के एसपी हमने, हम लोग को बस कहीं को भिवाड़ी जाओ, भिवाड़ी में बैठना, वहाँ पे भिवाड़ी से आया। फिर वहाँ ये जगह कैसे मिली? जगह गए थे तो उन्होंने कोई आने की व्यवस्था नहीं करी तुम्हारी, पैदल भेज दिया? बस गई थी लेने। अच्छा, अकेले वहाँ छोड़ दिया था रेलवे स्टेशन पे उनने भी। अच्छा, तो फिर उधर से बोली वहाँ पे जाना आश्रम में, यहाँ गोदाम जी राम मंदिर आश्रम में, यहाँ की बोली। तो पैदल कहाँ से कहाँ तक चले? पैदल हम शिवानी से कलानौर, वहाँ से फिर वापस कलानौर से वापस भेज दिया। तो कलानौर पहुँचे कहाँ? दिल्ली जाने की तैयारी थी? कोई क्या पानी मंगाने जा रहे, पानी भी कौन दे रहे रस्ते में? क्या करें, हम लोग पैदल 2 महीने हो गए। साबर यहाँ के मजदूर पहुँच गए, हम लोग अलग से मजदूर।